हेलो, पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ है तुमको? लगता है तुमको गैस हो गया है। गैस का दवा ले लो, सब ठीक हो जाएगा। कल मोहल्ले में दो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। फिर मैंने वहाँ पहुँचकर उन्हें बहुत समझाया, तब जाके मारपीट शुरू हुई। हाँ, अरे मैम, इनको मार क्यों रहे हो? देखो ना, कब से खूबसूरत लड़की को घूरे जा रहे हैं। खूबसूरत लड़की गई कहाँ? आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, शायद मैं किसी का डायमंड हूँ। पता नहीं कहाँ है इसका मालिक। ए रिपोर्टर, अरे हम अमेरिका गए थे तो वहाँ एक पूछा ना कि आपका इंडिया में कितना बड़ा घर है। तो आप क्या बोले चाचा? तो हम भी बोल दिए प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। ससुरे का होश उड़ गया। काश घर का काम भी इश्क की तरह होता, करना ना पड़ता, बस हो जाता। भाई खाली एक्सप्रेशन से बताना, गर्मी में कौन सी चीज से सबसे ज्यादा आराम मिलता है? नींबू पानी, गन्ने का जूस, लस्सी, बीवी के मायके जाने से? अरे भाई साहब, आप अपना नंबर दीजिएगा था। लिखिए ना भाई साहब। लिखाइए था। 94 में 14 3 3 1 बार 14। भाई साहब दूसरा नंबर ना है। हाँ ना भाई साहब, दो बड़ा लिखाइए। 94 में 6 2 1 बार 6। अगर चेहरा काला हो तो क्रीम पाउडर लगाई जाती है, लेकिन अगर करतूते काली हो तो प्रोफाइल पे लॉक लगाया जाता है। इतिहास गवाह है, पहले अमीर लोग पैसे के दम पे गरीब घर की लड़कियों को नचाते थे। आज उन्हीं की घरों की लड़कियां सोशल मीडिया पे नाच के अपने बाप दादा परदादा का कर्जा चुका रही हैं, और हम जैसे लोग उनको देख के एंजॉय कर रहे हैं। क्या हुआ, उदास क्यों है? यार मैं 21 साल की हूँ और मुझे 12 साल के लड़के से प्यार हो गया है। तू बताना उसे कैसे इम्प्रेस करूँ? तू उसके घर जाके उसका होमवर्क कर। पांडे जी, थोड़ा हाथ देख के बताइए ना, जिंदगी में बहुत लड़का लोग आता है लेकिन कोई टिकता क्यों नहीं? Oh, no. अरे बालिका, थोड़ा सा नखरा कम करो और लड़का से खर्चा करवाना बंद करो। यार हर्ष। हाँ सोया। मेरा ना लड़ने का मन कर रहा है, तू ही लड़ ले मुझसे। अबे वो पागल वागल है क्या? ए देख, अब तू लड़ने वाली बात कर रहा है। यार मुझे नहीं लड़ना है यार। तूने कैसे बोला पागल? पागल, अरे मेरे ये बताओ, रामदेव बाबा अपना प्रोडक्ट के नाम पतंजलि काहे रख ले हवा? देख, रामदेव बाबा एगो अंजलि नाम के लड़की से प्यार करते हो। हाँ। और वो लड़कियां उनसे ना पटत रहे। हाँ। तो यही से रामदेव बाबा अपन प्रोडक्ट के नाम रख दिल पट अंजलि, पट अंजलि। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ। तुम ये चिकन नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाती ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये आजकल की लड़कियां जो दारू सिगरेट लेती हैं वो सब तो नहीं करती ना तू? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाय सची। हाय। अच्छा, आज का पार्टी तो फिक्स है ना? हाँ हाँ, फिक्स है, फिक्स है। और चिकन तू ही बनाना, सारे फ्रेंड्स को सिर्फ तेरे हाथ का चिकन पसंद है। और दारू सिगरेट में कमी मत करना, सारे नशेड़ी आ रहे हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। सुनो, चलो रेडी हो जाओ, मैके जाना है मेरे। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? झूठे वो लोग। क्या झूठ बोला उन लोगों ने? शादी में बोले गाय दे रहा हूँ, गाय सिंह का तो बताया ही नहीं। लड़का तो मुझे ऐसा चाहिए जिसे डांस आता हो, ताकि मैं उसे गानों पर भी नचा सकूं और अपने इशारों पर भी। बस एक बस शादी कर लो, रानी बना के रखेंगे यहाँ, नौकरानी बना के रख दी है। तुम भी तो
बोली थी एक बार शादी कर लीजिए, बाद बाकी हम सब चीज देख लेंगे। अरे आप इतना बड़ा कुत्ता निकलेंगे, पता रहता तो शादियों ने करते हैं। तुम भी इतना बड़ा डाई निकलोगी, हमको भी पता नहीं था। अरे भाई क्या ढूंढ रहा है? अरे मैं फेल हो गया, मेरा बाप बोल रहा तूने सारा पैसा पानी में डुबा दिया, वही ढूंढ रहा हूँ। जानती हो अमेरिका के भी वैज्ञानिक बेहोश हो गए हैं जब उन्हें ये पता चला कि कढ़ाई में खाना खाने से बारिश होती है। मतलब मेरी शादी में बारिश? तुमने खाना खाया है? तो माता जी आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थोड़ा और पढ़ लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती और अच्छा लगता। जी जी यार एक बात बता, तो इतनी गालियाँ क्यों देती है? आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल की खता भी है क्या। हरामखोर आज तूने फिर होमवर्क नहीं किया, अब तू ही बता तुम्हें क्या सजा दूं? सर वो लड़की ने भी होमवर्क नहीं किया तो सर मैं कह रहा था कि हम दोनों को नंगा करके बाथरूम में बंद कर दो। ये ले देख ले। क्या हुआ ये ऐसे भाग क्यों गया? अरे कुछ नहीं, बहुत देर से बोल रहा था नागिन देखना है, नागिन देखना है, डर गया ना। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए बेटा? जी हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो घर का पूरा ध्यान रख ले, जो फटाफट साफ सफाई कर ले और अच्छा खाना बनाए। ये सारे गुण तो हमारे घर में एक ही लड़की में है, हमारी काम वाली। अबे साले क्या हुआ तेरे को? 100% डाटा यूज तो क्या हुआ? आज की रात कटेगी कैसे? सुनो। हाँ जी। जाओ खाना बनाओ। मैं नहीं बना रहा आज खाना वाना। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप खाना बनाओगे या मुझसे युद्ध की चुनौती स्वीकार करो। Oh no! क्या खाना बनाऊं? आलू का पराठा। भाई एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही। कौन सी? ये जो तवे पे रखे हुए पॉपकॉर्न होते ना, इतने उछलते क्यों है? कभी तुम बैठ कर देखो समझ आ जाएगा। ये हो जाएगा पिछवार।哎呦我的妈！तुम समझते क्या अपने आप को? अरे तू जा यार। बात मत करना मुझसे। हाँ मत कर जा। अरे जिया जी क्यों लड़ रहे हो मेरी बहन से? मेरी बहन तो एकदम गाय है गाय। अबे गाय जब तक थी जब तक तुम्हारे घर थी, मेरे घर आके तो गधी हो गई है। अबे देख के नहीं चल सकता क्या? अबे ओ सुअर एक चाटे में ना धरती के बाहर चले जाएगा। अबे ओ तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसने कभी चाटे ही नहीं खाए, तुझे क्या पता? कितने शानदार विचार रख। अरे साहब। हाँ कहाँ जा रहा है? पार्क में घूमने जा रहा हूँ। तुम्हारे भाई के पास कुछ काम नहीं है क्या? सारे दिन आवारों की तरह घूमता रहता है। अपनी बहन से सेटिंग करा दे फिर बिजी हो जाएगा बेचारा। पट्टी ना है सलूंगे शर्मीला है लौंडा। ओए आज तो तू बहुत दिन बाद छत पे आई है। अंकल इतनी तेज धूप में वीडियो बना बना के मैं आपकी तरह काली हो जाती। तेरी माँ होगी काली। तेरी माँ काली, तेरे बच्चे काले, तेरा पूरा खानदान काला। दिखनी ना मैं कितना गोरी, मेरी मम्मी भी गोरी है, मेरे पापा थोड़े से काले हैं, लेकिन फिर भी
अच्छा बेबी, तुम्हें सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी, KGF 2 या RRR? हीरोपंती 2। छोड़ी बच्ची हो क्या? अच्छा मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो लड़कियाँ इस्तेमाल भी करती हैं और उनका नाम भी है। उनका नाम भी है और इस्तेमाल भी करती हैं, वो है हम जैसे मासूम लड़के। बेटा मेरे पर्स में से 2000 रुपए चोरी हो गए हैं। 2000 नहीं, 1200 थे। बात 2000 या 1200 की नहीं है, बात तो ये है कि आखिर चुराए किसने? हाँ, मैं अभी चोर को पकड़। मत कर भरोसा, शादी कर ले डायरेक्ट। शादी तेरे से, चल कर लेते। तू तो बड़ी जल्दी मांगी शादी के लिए। हाँ तो बर्तन मंजवाऊंगी ना तुझसे। ओ शिट, फोन में तो रिचार्ज ही खत्म हो गया, क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस रेस्टोरेंट में जाती हूँ, इसमें वाईफाई लगा होगा। वेटर इधर आओ। यस मैडम। भैया वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मैडम ईट फर्स्ट। भैया एक पास्ता ले आओ। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। ये लो मैडम आपका पास्ता। वेटर। यस मैडम। अब तो बता दो वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मैडम ईट फर्स्ट। अच्छा ठीक है, एक पिज्जा ले आओ। ठीक है ला रहा हूँ। हाँ जी मैडम पिज्जा। वेटर। यस मैडम। अब तो बता दो वाईफाई का पासवर्ड क्या है? अरे मैडम ईट फर्स्ट। इतनी बार खा चुकी हूँ, अभी मैं मैनेजर से ही बात करती। मैनेजर साहब, मैं तब से वाईफाई का पासवर्ड पूछ रही हूँ, आपका वेटर बार बार ईट फर्स्ट बोल रहा है। कितनी बार मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ फिर भी नहीं बता रहा। अरे मैडम हमारे वाईफाई का पासवर्ड ही ईट फर्स्ट है। वैसे अच्छी टेक्निक है ऐसे कमाने की। अरे मैडम आपके जैसे लोग आते रहते। बात बता, तू लव मैरिज करेगी या अरेंज? मैं मैरिज हो जा वही काफी। मेरी शादी में तो नई जोन तो लाई मैं, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता कॉलेज की। एक बात बताओ, तुम्हें खूबसूरत लड़के पसंद है इंटेलिजेंट? दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ तुम। बात कुछ समझ न पाई, हमें पाई। किससे चैट कर रहे हो? गर्लफ्रेंड से। लेकिन तुम्हारे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तू है ना? रुक अब मैं मेरे भाई को बुला के लाती हूँ। पर तेरा तो कोई भाई नहीं है। तू है ना? अरे क्या हो गया यार? मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। हाँ जितना होगा उतना ही तो दुखेगा। भारत की दो सबसे प्रसिद्ध दवाइयाँ, पहली पैरासिटामोल, दूसरी बाबू सब ठीक हो जाएगा। बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। वेटर। यस सर ऑर्डर। एक वेज कोते, पाव भाजी, मंचूरियन और मोजीतो। और मेरे लिए एक चाय। मैडम ने इतना ऑर्डर तो करा है, बिल कौन भरेगा? देख भाई मैं अभी इसे प्रपोज करूँगा, अगर ये मान गई तो पूरा बिल में भरूंगा, और अगर नहीं मानी तो तेरे को इशारा कर दूंगा, दोनों का अलग अलग बिल लेके आना। Hey beautiful, I love you. रिलेशनशिप में मेरी बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट एंड आई एम विशिंग यू ऑल दी वेरी बेस्ट। माँ मिठाई खाओ, मेरी अमेरिका में जॉब लग गई है। अरे वाह बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज 10 बजे के पहले घर आ जाना। जिन जिन लड़कों की सुबह जल्दी आंखें नहीं खुलती हैं, वो अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दे, मैं उठा दिया करूँगी। खाने मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, मैं उठा दूंगी ठीक है। अरे पैसों की कमी थोड़ी है। पैसों की कमी नहीं है तो मेरे पैसे क्यों नहीं दे रही तू? ना देती बता क्या करेगा? ठीक है मत दे, लेकिन हम एक गेम खेलेंगे, मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, अगर तूने उसका जवाब नहीं दिया तो तू मुझे 500 रुपए देगी, और अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं तुझे 5000 रुपए दूंगा। हाँ ठीक है पूछ, सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। अच्छा चलिए बता, धरती से चंद्रमा तक की दूरी कितनी है? यार मुझे तो नहीं पता, ले 500 रुपए। अच्छा अब मेरा सवाल। हाँ पूछ। ये बता ऐसा कौन है जो पहाड़ी पे चढ़ता 4 पैर पे है, उतरता 3 पैर पे है? यार मुझे तो नहीं पता, ले 5000 रुपए।
अच्छा तू तो बता इसका आंसर। मुझे भी नहीं पता, ले 500 रुपए, चिज्जी खा लियो। फिर चूना लगा गई मुझे।